हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडियो से। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी में चाल चल रहा है। देखो इसमें आपके 5 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, आज आपका 6th सेशन है, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एवरेज एवरेज स्पीड, यानी क्या औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? देखो बच्चों, जैसे सपोज करो आप यहां से, आप मेरठ से दिल्ली गए, आप मेरठ से दिल्ली गए आपकी कुछ और चाल होगी, आप दिल्ली से अमृतसर गए आपकी कुछ और चाल होगी, आप अमृतसर से महाराष्ट्र गए आपकी कुछ और चाल होगी, आप महाराष्ट्र से असम गए आपकी कुछ और चाल होगी। तो आप अलग अलग चाल से आपने डिस्टेंस कवर की। बट अगर आपसे पूछता है कि आपकी मेरठ से लेकर असम तक की चाल क्या रही, तो वो होती है औसत। ना तो वो आपसे पूछता है कि मेरठ से दिल्ली तक कितनी रही, ना वो आपसे पूछता दिल्ली से अमृतसर तक कितनी रही, ना वो आपसे पूछता अमृतसर से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से आपकी असम। वो आपसे पूछता है कि आपकी टोटल जर्नी में मेरठ से लेकर असम तक चाल क्या रही, वो आपकी क्या होती है? एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल होती है। तो देखो अगर हम बात करें एवरेज स्पीड होती है क्या, तो एवरेज स्पीड होती है औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल चली गई दूरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हिंदी में कह सकते हैं कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। आगे बात समझने, ये आपका एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कि एवरेज स्पीड क्या होती है? कि आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, आप टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी आपने और आपको कितना टाइम लगा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। बट देखो अब अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, देखो देखो बच्चों, जब मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, जैसे मानो ये आपका घर है, क्या है? घर है। और ये आपका ऑफिस है, ये आपका घर है, ये आपका ऑफिस है। जो इसके बीच की ये दूरी है, मान लो ये आपकी डिस्टेंस जो है आपकी 2 है। अब जो बंदा है वो पहले दिन घर से ऑफिस जाता है, मान लो उसकी चाल थी वो उसकी S1 थी। अब ये बंदा ऑफिस से घर आता है, जो इसकी चाल थी सपोज करो वो S2 थी। मान लो गए किसी और चाल से, आया किसी और चाल से, तो आपसे पूछते बताओ इसकी टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड क्या थी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी डिस्टेंस डी थी, मैं आपसे पूछता हूं इसकी एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी? तो मैंने आपको क्या बताया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो ये पहले डी गया होगा, तो आपका ये डी गया। आगे बात समझ, अब जब ये वापसी आया होगा, जब भी गया होगा डी, तो गया भी डी आया भी डी, तो जो टोटल डिस्टेंस ने कवर करी वो क्या होगी? डी प्लस डी। आगे बात समझ में, तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। अब टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है आपका? टाइम क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब जब ये गया होगा तो टाइम क्या होगा? डी बटे S1, और जब ये आया होगा
इसी दूरी को आप चलेंगे इसको टाइम पे लगा होगा दूरी बटे एस टू, तो इसको टाइम लगा होगा तो आप कह सकते हो डी बटे एस वन प्लस डी बटे एस टू। आगे क्वेश्चन में अब देखो जब इसको सोल्व करोगे डीओडी क्या होता है आपका टू डी बटे में क्या आएगा यहां भी डी है यहां भी डी, तो अब डी कॉमन ले लो अंदर क्या बचेगा एक बटे एस वन एक बटे एस टू, तो एलसीएम क्या आएगा इसका एस वन इंटू एस टू। भैया अब देखो एस वन से एस वन कटेगा तो क्या जाएगा आपका एस टू प्लस एस वन, अब डी से आपका डी कट जाएगा तो क्या आएगा टू एस वन इंटू एस टू बटे में आता है एस टू प्लस एस वन। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया कि अगर आपको चाल देगा तो क्या होता है टू एस वन इंटू एस टू बटे में आएगा एस टू प्लस एस वन। आगे बात समझ सबको, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अगर वो आपको चाल चाल देगा टू एस वन इंटू एस टू बटे एस टू प्लस एस वन। आगे बात समझ में ये कैसा आया आप देख रहे थे आया कैसे है, एवरेज स्पीड वाला क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन, तो डिस्टेंस ये डी गया होगा और आप ये डी ही आया होगा तो डी गया डी आया। स्पीड वाला क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम, तो टाइम क्या लगा इसको जब ये गया होगा तो उसको टाइम क्या लगा होगा टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या है डी चाल क्या है एस वन, तो डी बटे एस वन प्लस डी बटे एस टू, डी हाँ भी है डी हाँ भी आपने डी कॉमन ले लिया तो एस वन एस टू का फॉर्म एलसीएम क्या होगा एस वन इंटू एस टू, एस वन से एस वन कट जाएगा एस टू ऊपर जाएगा एस टू से एस टू कटेगा एस वन ऊपर जाएगा, अब डी से डी कट जाएगा ये कट जाएगा आपका ऊपर तो क्या होगा 2s1 into s2 बटे s2 plus s1, ये आपका एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। ठीक है बट देखो आपको इतना नहीं करना, आपको इतना नहीं करना, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है हम इस क्वेश्चन को करेंगे LCM मेथड से, इसे LCM मेथड। अगली बार समझे देखो आपको LCM किसका लेना है जो आपकी चाल है, जो आपकी चाल है यहां पे चाल क्या है एस वन और यहां पे चाल क्या है आपकी एस टू, तो आपको इसका एलसीएम लेना है। आप मुझे एक बात बताओ अगर मैं इसकी डिस्टेंस मान लू एस वन इंटू एस टू किसी को दिक्कत है, मान लो ये तीन तरह खींच चार तो एलसीएम क्या है इसका एस वन इंटू एस टू, मैंने मान ली दूरी थी ये आपकी एस वन इंटू एस टू, यानी आपको एलसीएम लेना है किसका स्पीड का, आपको एलसीएम लेना है। अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड की बात करता हूं तो देखो अगर ये एस वन इंटू एस टू दूरी गया होगा एस वन चाल से तो एस वन इंटू एस टू दूरी वापस आया होगा, तो आप कह सकते हो जैसे दूरी टोटल डिस्टेंस कवर करी होगी टू एस वन इंटू एस टू, एस वन इंटू एस टू गया एस वन इंटू एस टू वापसी आएगा तो टोटल कितनी तय करेगा टू एस वन इंटू एस टू बटे में क्या आएगा आपका टाइम, और टाइम क्या होता है टाइम होता है आपका दूरी बटे चाल, जब इसे टाइम निकालोगे तो दूरी कितनी है एस वन इंटू एस टू और चाल क्या थी इसकी एस वन, तो एस वन से आप एस वन कट जाएगा तो टाइम कितना लगा इसको एस टू आपका टाइम लगेगा, और जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे क्या आएगा आपका एस वन इंटू एस टू बटे एस टू, एस टू से एस टू कट जाएगा आपके यहां पे क्या आएगा एस वन, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है टू एस वन इंटू एस टू बटे एस टू प्लस एस वन। ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, वो आपका बहुत बड़ा था आपको डायरेक्ट याद रखना है। आपको पूरा क्वेश्चन किससे करना है एलसीएम मेथड से, एलसीएम आपको किसका लेना है एलसीएम आपको लेना है स्पीड का, यानी चाल दे रखी होंगी उसका आपको एलसीएम लेना है। आगे बात समझ में ठीक है बच्चों आगे देखिए देखो बच्चों आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सही समझिए इस बात को, मान लो ये एक पॉइंट है ए, एक बंदा ए से बी तक जाता है इसलिए स्पीड है मान लो 1 किलोमीटर पर आर है, एक बंदा बी से सी तक जाता है
जो मान लो इसकी स्पीड है, मान लो वह इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा सी से डी तक जाता है और मान लो इसकी स्पीड है वो है इसकी सी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसने ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर करी वो है 38 किलोमीटर, जो बी से सी तक डिस्टेंस कवर करी वो है आपकी 95 किलोमीटर, जो सी से डी तक इसने डिस्टेंस कवर करी वो है आपकी 152 किलोमीटर। वो आपसे पूछता है बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। आप दोबारा देख लीजिएगा, एक बंदा था ए से बी तक चलता है 38 किलोमीटर, चाल क्या है 1 किलोमीटर पर आ रहा है। बी से सी तक चलता है 95 किलोमीटर, जो चाल है वो है 20 किलोमीटर पर आ रहा है। सी से डी तक चलता है 152 किलोमीटर, जो चाल है वो है आपकी सी किलोमीटर पर आ रहा। वो आपसे पूछता है बताओ टोटल जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही। मैंने आपसे कहा था एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। तो इसमें आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड जब आप इसकी निकालोगे तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 38, 95, 152। तो 38 + 95 + 152 ये आपके आ गई टोटल दूरी। जब मैं टाइम की बात करता हूं, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी इसकी 38 और चाल क्या थी, ये तो टाइम कितना लगेगा इसको 38 बटे a, ऐसी b को क्या लगेगा 95 बटे b, ऐसी यहां पे क्या लगेगा 152 बटे c। और जबकि ऐसा आप कर लोगे तो आप हो जाओगे होपलेस। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो इसको आप ऐसे नहीं करोगे। आगे बात समझ में, देखो इसको हम करेंगे कैसे, आप मुझे एक बात बताओ। अब मैं बात करता हूं ये सारे के सारे किससे कट रहे हैं, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 19 अट्ठे 152, तो ये 2, 5, 8 ये इनका अनुपात आ गया। क्या आ गया अनुपात, ये आ गया 2, 5, 8। यहां तक इसको दिक्कत। अब देखो अगर मैं बात करता हूं इनकी स्पीड का अनुपात क्या है, स्पीड का अनुपात आप कह सकते हो ए बी और सी है। अगर मैं तीनों का एलसीएम लूं, मैंने आपसे कहा था आप जो टोटल के डिस्टेंस मानो, जो आप ये टोटल डिस्टेंस मानो, आप स्पीड का एलसीएम लेना। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी। आपने मान लो डिस्टेंस थी वो क्या है इसकी, ए बी सी है। यहां तक इसको दिक्कत। अगर मैं दूरी की बात करता हूं, क्या डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो डिस्टेंस का आपको अनुपात पता है, अनुपात क्या है 2, 5, 8, ये 2, ये आपका 5, ये आपका 8, ये आपको अनुपात दे रखा है। आगे बात समझे, सही समझे इस क्वेश्चन को। अब आप मुझे एक बात, मैंने आपसे कहा था जो आप ये दूरी मानो वो आप चाल का एलसीएम लेके मानना, मैंने आपसे ये तो कहा था। तो जो इसका एलसीएम आया वो क्या आया, ए बी सी, इसका एलसीएम आपका निकल के आया है। आगे बात समझ में, एलसीएम क्या है इसका, ए बी सी, इसका एलसीएम आ गया। तो देखो ये कितनी है 2, मैंने मान लिया जो यहां से यहां तक ये भी क्या आपकी ए बी सी है, ये भी क्या दूरी ए बी सी है, ये भी क्या दूरी ए बी सी है, मैंने एलसीएम लेकर मान लिया। बट देखो रियलिटी तो ये 2 थी, तो आप ये मान लो पूरी कितनी है 2 ए बी सी, इसको मान लो 5 ए बी सी, इसको मान लो 8 ए बी सी। यहां तक इसको दिक्कत, मैंने मान लिया जो इसकी दूरी थी वो आप जो इसकी चाल है उसके गुणनफल मानो, ये क्या हो गई 2 ए बी सी, ये क्या हो गई 5 ए बी सी, ये क्या हो गई 8 ए बी सी। मैंने क्या कहा था, जो आप दूरी मानो वो इसके स्पीड का एलसीएम लेके मानना। आपने स्पीड का एलसीएम लेके आया ए बी सी, तो इसको मान लो ये 2 ए बी सी है, ये 5 ए बी सी, ये क्या आपका 8 ए बी सी है। अब देखो जब मैं आगे बात करता हूं तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। तो दूरी कितनी तय करी इसने यहां पे 2 ए बी सी,
इसमें 5ABC और यहां पर 8ABC बटे। अब जब मैं इसकी हम बात करते इसको टाइम से लगे तो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 2ABC बटे चाल की आती है ए, तो ए से कट जाएगा, तो आपका टाइम क्या आएगा 2BC, यहां पे क्या आएगा आपका 5AC और यहां पे क्या आएगा आपका 8AB। आप निकाल सकते हो टाइम की बात करते हो क्या आएगा 5ABC, स्पीड क्या थी बी, तो बी से भी कट जाएगा आपका क्या आएगा 5AC। ऐसे में उसकी बात करता हूं तो 8ABC टोटल डिस्टेंस कवर करी और चाल क्या थी सी, तो ये क्या आएगा आपका 8AB, तो पूरी आपकी एवरेज स्पीड बराबर क्या आ गया ये आ गया। आगे क्वेश्चन है 2ABC 5ABC 8ABC आपका क्या आएगा, ये आपको हो जाएगा 15ABC बटे 2BC प्लस 5AC प्लस 8AB, ये आपका जाएगा एवरेज स्पीड। आगे बात समझे, बट देखो ये भी आपका बड़ा हो गया, इसको हम कैसे करेंगे देखो आगे, देखो एक बात बताओ, अगर डिस्टेंस की बात करो, देखो डिस्टेंस का अनुपात क्या है 2, 5, 8 है, अगर इसकी स्पीड ए थी तो ये 2 चला है, अगर स्पीड बी थी तो ये 5 चला है, और अगर स्पीड सी थी तो कितना चला है 8, तो ये टोटल कितना चला है यहां से यहां तक, ये आपका 15 तो चला है, 2, 5, 7, 8, 15 तो चला है, ये 15 चला है। मैंने आपसे कहा था जो आप डिस्टेंस मानो वो आप जो इसका स्पीड है उसमें मानना, तो स्पीड क्या थी ए बी सी, तो ये मैंने इस कैल से मान क्या मान लिया ए बी सी, तो आप मान लो जो आपकी टोटल डिस्टेंस वो है ए बी सी, टोटल डिस्टेंस क्या गई आपकी है ए बी सी, यहां तक इसको दिखता 2, 5, 7, 8, 2, 5, 7, 8, 15 टोटल आपकी डिस्टेंस आ गई, तो अब एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, एवरेज स्पीड आएगी 15ABC बटे। अब जब मैं टाइम की बात करता हूं तो एक बात बताओ, अगर ये आपका ABC दूरी चलता है A की स्पीड से, इसको टाइम क्या लगेगा A से कटेगा, तो यहां पर टाइम क्या लगेगा इसको BC, इसको टाइम क्या लगेगा, अरे B से भी कट जाएगा तो क्या बचेगा AC, C से सी कटेगा आपके यहां क्या आएगा AB, तो जिसको टाइम लगा जब इसकी स्पीड ए थी इसको टाइम लगा BC, जब बी थी इसको टाइम लगा AC, जब सी थी इसको टाइम लगा AB, कब जब ये दूरी चल रहा था ABC, बट इससे तो आपको 2ABC चलवाना है, अगर इससे आप दूरी डबल तय करवा दो इसको टाइम भी क्या लगेगा डबल, यानी क्या आएगा 2BC आएगा। आगे बात समझ में, अगर आप इससे 5 गुना दूरी तय करा रहे हो तो इसको टाइम में तो 5 गुना लगेगा, यानी क्या होगा 5AC। आगे बात समझ में, और अगर आप इससे 8 गुना दूरी तय करा रहे हो, क्योंकि आप इसे जब ABC करा रहे हो उसको टाइम लग रहा है AB, बट आप अगर इससे आप कराओगे 8 गुना तो उसका टाइम क्या लगेगा 8AB। आप देखो ये आपका डायरेक्ट निकल के तो आया, जो मैंने आपको कितना बड़ा करके बताया था, तो ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, किसको दिक्कत होगा, तो देखो बच्चों आपको समझ में आ गया, अगर अभी डायरेक्ट करना तो ये 38 किलोमीटर थी, ये आपकी 95 किलोमीटर है और ये आपका 152 किलोमीटर है, तो आपका अनुपात तो आ गया क्या था आपका अनुपात 2, 5, 8, तो आप मान लो टोटल डिस्टेंस क्या है 2ABC, ये क्या आपकी 5ABC और ये क्या आपकी 8ABC। अब देखो 2ABC 5ABC 8ABC टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 15ABC आ गई। अब अनुपात क्या आया, अनुपात इसका 2, 5, 8 है, किसका डिस्टेंस का अनुपात आया 2, 5, 8, मैंने 2, 5, 8 आपका यहां पे लिख दिया, टोटल कितने आ गए आपकी 15ABC आ गए। अब मुझे एक बताओ, जब ये 1 किलोमीटर चलता है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, ए से ही कटेगा आपका BC आ जाएगा, बी से भी कटेगा क्या आएगा AC, सी से सी कटेगा क्या आएगा आपका AB, अगर ये ABC दूरी चल रहा है तो उसको टाइम BC लगेगा, बट ये चला कितना है, ये तो आपका 2ABC लगा है, दूरी क्या चला है दूरी, तो टाइम भी क्या होगा 2 BC, ऐसे आप 5 गुना चले तो टाइम भी क्या होगा 5 AC, ऐसे यहाँ पे 8 गुना चले तो यहाँ पे टाइम भी क्या होगा
आर ए भी आपका टाइम होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कोई नाव की धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर आर की चाल से चलती है और समान दूरी पर 30 किलोमीटर पर आर की चाल से वापस आती है, कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। देखो एक नाव थी, मान लो ये इस छोर से चली और ये इस छोर तक गई, यहां से यहां तक गई, क्या चाल थी इसकी, 18 किलोमीटर पर आर इसकी चाल थी, मान लो आपकी डिस्टेंस क्या थी, डी थी। ये वापसी यहां पे आई समान दूरी, जितनी दूरी जाएगी उतनी तो वापसी आएगी, तो इसके यहाँ पे चाल क्या थी इसकी, इसके यहाँ पे चाल थी 30 किलोमीटर पर आर। उसने आपसे पूछा है कि टोटल जर्नी में जाने और आने में इसकी औसत चाल क्या थी, आप यहां पे अवेलेबल वाला फंडा मतलब लगा देना कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, कि 18 + 30 दो पद है बटे दो, आपका आंसर से गलत हो जाएगा। तो आप एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, एवरेज स्पीड आपकी होती है 2s1 × s2 / s1 + s2। आगे बस नहीं तो क्या होगा, 2 × 18 × 30 / 2 क्या आएगा 48, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 8 = 48, 2 से आपका जाएगा 4 बार, 30 × 3 = 90/4, 90 का आपका आधा क्या होता है, 90 का आधा होता है 45 और 45 का आधा क्या होता है 22.5, आपका आंसर क्या आएगा 22.5 किलोमीटर पर आर इसका आंसर होगा। आगे बात समझ में, ये तो हो गया आपका फॉर्मूले से, अगर मैं बात करूं इसको एलसीएम मेथड, देखो एलसीएम मेथड से कैसे होगा, अब मुझे एक बात बताओ, इसकी दो चाल है, एक तो इसकी चाल थी 18 किलोमीटर पर आर, एक इसकी चाल थी या 30 किलोमीटर पर आर, इसका एलसीएम क्या होगा 30 और 18 का 90 होगा, क्या होगा 90। आपने मान लीजिए डिस्टेंस थी वो आपकी 90 किलोमीटर, अगर इसकी चाल 18 थी 90 चाहिए तो टाइम कितना लगा होगा, 5 घंटे लगा होगा, सीधी सी बात है, जब 30 तो कितना लगा होगा 3 घंटे इसको यहां पे लगा होगा। आगे बात समझ में, बट अगर ये डिस्टेंस आपकी 90 किलोमीटर थी तो ये अगर 90 जाएगी तो 90 तो आएगी, तो आप क्या करोगे इसका, इसका आप करोगे डबल ले लिया 180 किलोमीटर। अगली बात समझ में, और टाइम कितना लगा 5 घंटे ये 3 घंटे तो कितने 8 घंटे आपको लगे, बस हो गया, 2 से काट दो 90 2 से काट दो 4, 90/4, 90 का आधा 45 का आधा 22.5 किलोमीटर पर आर इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर। जो आपका क्वेश्चन है ये आपका CHSL में पूछा गया था, CHSL 2015 में क्वेश्चन आपसे पूछा। आगे बस समझ में, चलो बच्चो ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टैक्सी 84 किलोमीटर की औसत गति से शहर ए से शहर बी तक जाती है, यातायात के कारण वापसी यात्रा में टैक्सी की औसत गति 24 किलोमीटर कम हो जाती है। देखो इसकी स्पीड थी कितनी, इसकी स्पीड थी 84 किलोमीटर पर आर, बट जब वापस आ रहा था तो इसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आर हो गई, अगर 84 थी 24 कम हो गई तो कितनी बची 60 बची, यानी 84 से गया और 60 से ही वापस आया, कुल यात्रा के लिए टैक्सी की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो बस आपको पता है स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है 2s1, तो 2s1 कितना है 84। अब जब ये बाप देखो यहां से गया, ये गया कितने की स्पीड से था, ये गया था 84 की स्पीड से, मान लो ये आपका ए शहर है, ये आपका बी शहर, ये ए से बी गया 84 किलोमीटर पर
स्पीड से, बट जब ये वापसी आ रहा था ट्रैफिक के कारण इसकी स्पीड 24 किलोमीटर कम हो गई। ठीक इतनी 84, अगर 24 कम हो गई तो आया कितने से यानी 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो आया। तो एस वन कितना है 84, एस टू कितना है 60, बटे दोनों का योग तो 84 और 60 कितना होता है 144। तो 12 से काट दो, 12 से 12 बार, 12 से आपका ये 7 बार, 12 से आपका ये 12 में 12, 12 2 24, सॉरी 12 में 60 होता है ना, और 12 7 24, तो 2 7 2 7 14 14 5 17 किलोमीटर पर आर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर सी। ये भी आपका क्वेश्चन CHSL 2015 में पूछा गया था, आगे बात समझ में। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कार अपनी यात्रा के पहले 76 मिनट की दूरी 48 मिनट में तथा शेष 45 मिनट की दूरी 40 मिनट में तय करती है, कार की औसत चाल ज्ञात करें। देखो एक बंदा था, वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, वो 76 किलोमीटर चला, कितना चला 76 किलोमीटर वो आपका चला, और इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया आपका 45 मिनट लिए। अब वो आगे फिर चला और कितना चला ये आपका चला 45 किलोमीटर, और यहां तक कितना टाइम लिया इसने, इसने आपका टाइम लिया है 48, सॉरी ये लिया उसने 40 मिनट, और ये कितना लिया है ये उसने लिया है 48 मिनट। तो देखो जो एवरेज स्पीड होती है आपकी, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो 76 और 45 ही चला, तो कितने चला हो टोटल आपकी 121 किलोमीटर। 76 और 45 कितना होता है आपका 121 से होता है, तो ये 121 किलोमीटर चला, और टाइम कितना लिया उसने 48 मिनट लिए और 40 मिनट लिए, तो आप कह सकते हो 88 मिनट उसने ये आपके लिए, ये आपका किलोमीटर में, आपका मिनट में। इसको आप 60 से डिवाइड करोगे, किसे डिवाइड करोगे 60 से, ताकि किस में आ जाए ये भी घंटे में हो जाए, आपका ये मिनट में जाएगा। देखो 11 से काटोगे 11 बार, 11 से काटोगे आपका ये 8 बार, 60 का जाएगा ऊपर क्या होगा 660/8 आपका ही हो जाएगा। काट दो इसको आप 4 से काट दो, 4 4 4 4 6 24 4 5 20, 4 से आपका 2 बार, तो 165 का 16 का था कितना होता है 8, 5 का था कितना होता है 2.5, तो कितना आ गया आपका 82.5 किलोमीटर पर आर इसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन 5 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर पर आर की गति से और अगले 7 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर आर की गति से चलती है, तो ट्रेन की औसत गति क्या है? जो आपके क्वेश्चन है ये आपका सीपीओ 2017 में पूछा गया था। तो देखो बच्चों क्या है, आपकी जो एवरेज स्पीड होती है, जो औसत गति होती है, वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन, यानी कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। एक तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। देखो 5 किलोमीटर आपको यहां चली और 7 यहां, तो कितनी चली हो आपकी टोटल चली हो 12 किलोमीटर, बटे जब मैं टाइम की बात करता हूं, टाइम क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस क्या थी 5, स्पीड क्या थी 160, प्लस यहां पे क्या रहा होगा टाइम, दूरी बटे 4, तो 7/64। अब इसको आप जब सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या आ गया ये 5, ये 7, ये 160, ये 64, इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा। तो देखो मैंने आपको कि कॉन्सेप्ट बताया था जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, तो
उससे हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो क्या है, जो चाल थी वो क्या, किसकी चाल पहले 160 किलोमीटर पर आवर थी, सही समझ रहे इस क्वेश्चन को, और फिर क्या हुई इसकी चाल 64 किलोमीटर पर आवर। मैं इससे भी आपको बताऊंगा बट आप इससे पहले देखो, तो देखो एक बात बताओ, ये हो गया स्पीड का अनुपात, इसका हो गया स्पीड का। अगर मैं डिस्टेंस के अनुपात की बात करता हूं तो डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा, यहां पर कितनी चाल चल रही हो, दूरी चल रहा हो 5 और यहां पे क्या चल रहा है 7, तो चाल का अनुपात तो 5:7 ही हो जाएगा, सीधी सी बात है, 5 और 7 को आप काट सकते हैं, तो क्या होगा ये होगा। अब 160 और 64 का एलसीएम आपका क्या आएगा, आप ऐसे जब निकालोगे 160 और 64 का, तो 160 को आप 64 से बस विभक्त कर दो, 8 और 2 64, 8 से जाएगा आपका ये 20 बार, 4 से काट दो 4 से 5 बार, 4 से आपका ये 2 बार, तो 2 से तो आपका 5 नहीं कटता, तो दिक्कत कौन कर रहा है 2, तो इस 2 की आप मल्टीप्लाई कर दो 120 60 में, तो 160 गुणा 2 कितना होता आपका 320। ये आपकी आ गई, मैंने मान लिया जो इसकी डिस्टेंस थी वो क्या थी आपकी 320 किलोमीटर थी, इसका एलसीएम क्या आया 320 आया। तो देखो अगर 120 160 किलोमीटर इसकी चाल है, अगर 320 आपको चलवाना है तो इसकी जो टाइमिंग आएगी वो क्या आएगी 2 घंटे आएगी, जिसमें आता दिक्कत ये आपका टाइम आ जाएगा। और अगर 64 की स्पीड से 320 चलवाओ तो कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे इसमें आने लग जाएंगे, आई बात समझ में। अब देखो जो एवरेज स्पीड होती है, स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस का, तो देखो 5 और 7 कितना होता है आपका, यह आपका आ गया 12, क्या आ गया 12। तो देखो एक के लिए 320 है, आपने इस क्वेश्चन में कितना आ गया 320, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी 12 गुणा 320, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है 12 गुणा 320। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 320 चलती है तो इसको 2 घंटे लग रहे हैं, तो डिस्टेंस तो आपने 5 गुना चलवाई है, क्या 5 गुना, तो टाइम भी क्या लगेगा 5 गुना, तो 5 गुनी 10। और अगर मैं यहां बात करता हूं, यहां पे इसको 5 घंटे लगे 320 दूरी तय करने में, तो यहां तो आपने इसको 7 गुना दूरी तय करने में कितना लगेगा 5 से 35 घंटे लगेगा, आगे बात समझ में। बस तो आपका क्या होगा 12 गुणा 320 बटे 3510 45, 3 से काट दो 3 से 4 बार, 3 से आपका ये 15 बार। अब इसको आप काट दो 5 से, 5 इन 30 और 5 चौक 20, 5 से आपका 3 बार, तो 64 गुणा 4, 4 चौक 16 कैरी 1, 4 से 24 25, 256 बटे 3, तो 3 8 24, 3 5 15, 85.33 किलोमीटर पर आर इसका आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आप दोबारा देख लीजिएगा 160 किलोमीटर और 64 किलोमीटर इसकी स्पीड थी, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया 320 किलोमीटर इसका आपका एलसीएम आ गया। अब डिस्टेंस यहां 5 है, यहां पे कितनी है 7 है, अगर ये 320 ही चलता तो इसको 2 घंटे ले लेते, बट डिस्टेंस से 5 मिनट चलते, टाइम भी क्या होगा 5 मिनट, यहां पे क्या है 7 मिनट, तो यहां पे क्या होगा आपका 35 हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको, अब देखो ये अनुपात था, तो ये जो टोटल निकल गए तो 12 तो आया, ये 320 तो 12 गुणा 320, अगर आपको इससे करना है तो इसको इससे भी आप कर सकते हो, ये क्या होगा 12 बटे, देखो इसका एलसीएम 320 आ जाएगा आपका, 160 जाएगा 2, तो 5 दूनी 10, 64 जाएगा 5, तो 5 7 35, ये आपको बढ़ जाएगा, तो क्या जाएगा 12 गुणा 320 बटे 45, तो आपका ऑटोमेटिक ये तो निकल के आ गया, यहां पर देखो ये तो निकल के आ गया। आगे बात समझ में, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और ये इसका फॉर्मूला है। आगे बात समझ में, एवरेज के बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर बटे टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस तो 5 ही चला है और 7 ही चला है, ठीक है, और टाइम क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, तो डिस्टेंस क्या थी 5, चाल क्या थी इसकी 160, डिस्टेंस क्या थी 7, चाल क्या थी 64 किलोमीटर पर,
पांच बटे 160, 7/64 ये आपका टाइम आ गया। आगे बात सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपकी शुरुआत ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार V1 किलोमीटर पर आवर की गति से A से B तक जाती है, वापस B से A V2 किलोमीटर पर आवर की गति से आती है, और फिर A से B तक V2 किलोमीटर पर आवर से वापस जाती है, तो कार की औसत गति क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका MTS में पूछा गया था। तो देखो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, अब देखो एक डिस्टेंस थी आपकी ए से बी तक, मान लो ये दो पॉइंट है ए, ये क्या आपका बी, पहले एक बंदा ए से बी तक जाता है, इसकी चाल क्या है V1 किलोमीटर पर आवर, ए से बी तक गया और इसकी चाल क्या है V1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब वो बी से ए तक आता है और चाल क्या है V2 किलोमीटर पर आवर, ये V2 किलोमीटर पर आ रहे। अब वो अगेन A से B तक जाता है, अब वो फिर A से B तक गया और चाल क्या है V2 किलोमीटर पर आर है। तो आपसे पूछा है कि टोटल जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। मैंने आपसे कहा था कि जो आप डिस्टेंस मानो वो आप जो इसकी चाल है उसका एलसीएम लेना। तो देखो चाल क्या है V1 किलोमीटर पर आर, V2 किलोमीटर पर आर और V2 किलोमीटर पर आर, जिसकी डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी V1 V2, किस में आता है दिक्कत, क्योंकि तीनों में एलसीएम क्या होगा, यहां भी V1 है, यहां V2, यहां V2, तो V1 इंटू V2 तो आएगा। पहला बंदा यहां से यहां तक गया, फिर यहां पर आया, फिर वापस गया, तो ये तीन बार है। जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी टोटल डिस्टेंस का, तो ये पहले गया फिर आया फिर गया, तो 3V1V2 चलेगा, सीधी सी बात है। आई बस, और इसको टाइम लगेगा, क्या लगेगा, जो इसको टाइम लगेगा, आप एक बताओ जब ये गया होगा तो इसकी दूरी है, इसको टाइम कितना लगा होगा V1 V2, स्पीड क्या थी V1 थी, तो V1 से V1 कट जाएगा तो क्या आएगा आपका V2 आएगा, जब V2 से गया तो टाइम क्या होगा V1 V2, स्पीड क्या थी V2, तो V2 से V2 आपका कट जाएगा, फिर क्या अगर ये वाली गया होगा तो V1 V2, स्पीड क्या थी V2, तो ये भी आपका कट जाएगा, तो क्या आया V2 V1 V1, तो V1 V1 क्या हो जाएगा 2V1 2V1 और क्या V2, तो आपका आंसर क्या होगा, यही आपका आंसर होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। आगे बात सुन, तो आंसर क्या होगा आपका 3V1 V2, आपका आंसर हो जाएगा सी आपका ऑप्शन होगा। ये आपको मैंने जो कोई भी जो आपकी या सीजन चल रहा है इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया वही कॉन्सेप्ट है, इसमें आप इन्होंने क्वेश्चन जनरेट कर दिया बस आपका। आगे बात सुन, चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बात, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक आदमी 51 किलोमीटर 24 किलोमीटर पर आर की गति से ए से बी की यात्रा करता है और वह 68 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आर की गति से बी से सी की दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति आपको बतानी क्या होगी। जो आपका क्वेश्चन है ये आपका CHSL में पूछा गया है, CHSL 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो क्या कह रहे हैं, जब उसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आर थी, चला कितना है 51 किलोमीटर चला, ये आपकी डिस्टेंस है। आगे बात समझ में, जब इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आर हो गई तो जब कितना चलाएंगे, जब आपके चला है 68 किलोमीटर, यहां तक इसको दिक्कत। तो देखो इसका अनुपात आएगा 17:51:17:68, तो इसका अनुपात क्या जाएगा, अनुपात आ जाएगा 3:4, यहां तक इसको दिक्कत बताओ, तो ये टोटल कितनी जर्नी तय करेगा 7, 3 और 4 7, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं होगी।
अब देखो ये है आपका 24, ये है आपका 30, तो मैंने क्या कहा था आप स्पीड का एलसीएम ले लेना। तो 24 और 30 के एलसीएम क्या होता है 120। आपने मान लीजिए इसकी डिस्टेंस थी वो 120 किलोमीटर थी, क्या थी 120 किलोमीटर। तो इसको यहां पर कितना टाइम लगा होगा, 24 बन जाए 120, 5 घंटे लगे होंगे। इसको कितना लगा होगा, 4 घंटे लगे होंगे। यहां तक इसको दिक्कत। आप मुझे एक बात बताओ, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो 120 है एक, तो आप फिर 7 6 लिए तो 7 × 120 हो जाएगा। अब देखो इसने यहां पे अगर ये 120 चलता तो इसको 5 घंटे लगे थे, बट इसने तो डिस्टेंस 120 × 3 तय करी होगी, यानी कितनी डिस्टेंस तय करी है, तो 5 या 15 घंटे यहां पे लगेंगे इसको। और जब मैं यहां की बात करता हूं तो इसने डिस्टेंस तो 120 × 4 6 ली होगी, तो टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे। कितना जाएगा आपका 16, तो क्या हो जाएगा 12 × 7 = 84, 840/15 × 6 15 × 16 = 31, तो 840/31 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत गति देगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 120 ही आया बट यह डिस्टेंस उतनी की नहीं है, तो 120 × 3 यह आ जाएगा आपका, प्लस यहां पे 4 है तो 120 × 4 हो जाएगा। बट इससे होगा कुछ नहीं, 120 यहां भी 120 आपका यहां भी, 120 आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा 3 + 4 यानी 7, फिर भी आप वहीं पहुंच जाओगे। तो इससे अच्छा है कि इसको आप एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब जब तिगनी होगी तो टाइम भी तिगना लगेगा 5 से 15, चौगनी होगी तो टाइम भी 4 बन लगेगा, 4 × 16, बट इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 7 मान के, 3 और 4 7, एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन बट अगर आप अलग अलग करो तो आपको टाइम वेस्ट होगा। ठीक है चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 74 मिनट में 36 किलोमीटर पर आर की गति से ए से बी की यात्रा करता है, और वह 111 मिनट में 45 किलोमीटर पर आर की गति से बी से सी की दूरी तय करता है, पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। देखो सपोज करो ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट क्या है आपका ए है, यहां से वो चलना शुरू करता है कहां तक, बी से बी तक, और फिर बी से चलता है कहां तक, वो आपका सी तक। ए से बी तक चला, स्पीड क्या थी 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला ए से बी तक, और टाइम कितना लिया, टाइम लिया है 74 मिनट। आगे बात समझ में, फिर वो बी से सी तक चला और कितने चाल से चला है, वो चला 45 किलोमीटर पर आर की चाल से चला, और इसने टाइम कितना लिया 111 मिनट उसने यहां पे लिया। यहां तक इसको दिक्कत होता हूं मुझे, आगे बात समझ में। अब देखो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। तो जो डिस्टेंस ये आप कवर करेगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है चाल × समय, तो चाल क्या है 36। अब देखो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, इसको मैं 74 से 74 मिनट रहने दे रहा हूं, आगे बात समझ में। और यहां पे ये कितने तय करेगा 45 × 111 मिनट, आगे बात समझ में, बटे ये ना टोटल डिस्टेंस कवर करी बटे टोटल टाइम इनको कितना लगा हुआ, तो ये प्लस ये, तो 74 + 11 कितना होता है आपका 85 और 100, तो 185 मिनट ये इसको लगे होंगे। तो देखो 130 इसको प्रॉपर में भक्त करेगा और इसको भी भक्त करेगा प्रॉपर, तो देखो मिनट से मिनट आपकी पूरी पूरी कट जाएगी। आगे बात समझ में, अब देखो आगे इसको आप कैसे करोगे, अब देखो जब इसको आप आगे करोगे तो ये आपका काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 37 × 185, 37 × 74 और 37 × 111, आगे वसन में 5 इसको काट दो, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 से घटेगा 5 में 45, आगे वसन में बस 7 × 14 = 14.4 प्लस 9 × 27, तो क्या हो जाएगा 27 और 14 कितना होता है 41.4 किलोमीटर
पर आर इसकी इसके डिजाइन आंसर नंबर डी आपका आंसर देगा। बट देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और इसको देखो आप कैसे कर सकते हो। देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अनुपात की बात करता हूं तो 37 × 74 37 × 111 अनुपात क्या आ गया 2:3। आपने मान लिया इसमें हम लगता है 2 टाइम, इसमें हम लगता है 3 टाइम, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी आपकी दूरी 36 × 2 और यहां पे क्या आएगा आपका 45 × 3 आगे बस। तो टोटल टाइम कितना लगा है 2 और 3 5 बस हो गया। 5 × 35 5 × 10 5 × 5 = 5 × 2 = 14.4 9 × 3 = 27 14.4 किलोमीटर पर आर इसकी आपकी इस स्पीड है, या बहुत छोटा हो गया। आगे बस हमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर आपका 65। और बच्चों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट क्लिक करो ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एक व्यक्ति ट्रेन से 900 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर पर आर से, नौका से 1200 किलोमीटर की दूरी 240 किलोमीटर पर आर से, हवाई जहाज से 750 किलोमीटर की यात्रा 400 किलोमीटर पर आर से और 150 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 100 किलोमीटर पर आर से तय करता है, संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका CGL मेंस में पूछा गया था 2018 में ठीक है बच्चों। तो देखो क्या कैसे करोगे इसका क्वेश्चन का। देखो मैंने आपको एक सीधा सा फंडा बताया था, आप स्पीड का एलसीएम ले लो। तो स्पीड क्या क्या है इसकी, इसकी स्पीड है आपकी 80 किलोमीटर पर आर, दूसरी की आपकी 240 किलोमीटर पर आर, तीसरी की आपकी ये 80 हो गई, ये 240 400 और 100 400 और ये है आपकी 100 किलोमीटर। यहां तक इसको दिक्कत। जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं किसकी डिस्टेंस की, तो मैंने आपसे कहा था डिस्टेंस का अनुपात निकाल लो। अनुपात आप कैसे निकालोगे, इसने यहां पे कितनी डिस्टेंस कवर करनी, तो शुरू में 900 फिर 1200 फिर 750 और फिर आपकी 150, ये उसने डिस्टेंस आपकी कवर की है। तो जीरो से जीरो 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 जीरो, 15 × 90 15 × 120 15 × 75 15 × 15। तो जिसका डिस्टेंस का अनुपात है वो क्या आया 6851, इसकी डिस्टेंस का अनुपात आ गया 6851। इसको दिक्कत, इन सब का एलसीएम क्या होगा, इन सब का आपका एलसीएम देखो 400 100 और 80 का तो एलसीएम 400 हो जाएगा, क्योंकि 400 कम 400 80 पंजे 400 100 का 400, तो 400 अब आपको दिक्कत 240 का, तो 240 से आप इसको डिवाइड कर दो 0 0, 4 से आपका ये 10 बार, 4 से आपका ये 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से ये 5 बार, तो अब दिक्कत कौन कर रहा है 3, क्योंकि 3 5 को व्यक्त नहीं करता, तो 3 दिक्कत कर रहा है, तो अब 3 की मल्टीप्लाई कर दो 400, तो क्या जाएगा आपका 1200 आपका ये एलसीएम आ गया। यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। आगे बात समझ में, अब आप मुझे एक बात बताओ 80 से कितनी बार जाएगा ये 15 बार जाएगा, 0 0 कटेगी 15 × 120, 240 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 400 से 3 बार और 100 से 12 बार, ये आपका टाइम आ गया। अब यहां तक किसी को दिक्कत हो मुझे बताओ। आगे बात समझ में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 6 8 14 5 19 1 ये 20 आ गया। तो एवरेज स्पीड जो आपकी होती है वो क्या होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, अगर 6 थी तो ये चलेगा, 8 थी फिर ये चलेगा, ये थी फिर ये और 1 थी तो फिर ये, इस तरह से तो सबकी मल्टीप्लाई एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा 20 × 12, तो ये आ गया आपकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अगर किसी को दिक्कत नहीं होता आगे बात समझ में, अब आप मुझे एक बात, जब ये 1200 चल रहा था इसको 15 घंटे लग रहे थे, बट ये चला तो 6 गुना है, तो 15 का 90 आ गया आपका 90।
आगे बात समझ में, जब ये 12 से छह लफ्ज को लग रहे थे 5, बट अगर 8 दिन चले तो क्या होगा, 8 पंजे 40, यहां पे कितना लगेगा 3 पंजे 15, यहां पे कितना लगेगा 12 एकम 12। आगे बात समझ में, बस हो गया आपका आंसर कर दिए, तो क्या होगा 20 × 1200 बटे 9×40 = 130, 130 × 15 = 145, 7 आ गया आपका। यहां तक इसको दिक्कत बताओ, 9×40 = 130, 130 × 15 = 145 और 157, तो ये कितना आ गया आपका 12×24, 24,157। आगे बस सर में, अब इसको आप इसे डिवाइड कर लो, अब देखो अगर इसको आप चलो क्योंकि नियर नियर आंसर है, तो इसको आप जब डिवाइड करोगे 157 से 24000, तो इसको आप पहले एक बार भेजोगे कितनी बार जाएगा 157, तो 3 13 में से 5 गए 8, आपने भी आप ये 0 उतार लिए, अब कितनी बार जाएगा 5 में चला जाएगा 15×75, हाँ 5 बार भेज दो, 5×7 = 35, अब देखो जैसे 5×7 = 35, 3×5 = 25, 28, 3×5 = 4, 4×2 = 22, 4×2 = 4, 4×7 = 28, 2×4 = 22, 22×4 = 4, आपका कितना आ गया 6, तो 10 में से 8 गए 2 0 नहीं है, तो चला जाएगा 5×7 = 35, 3×5 = 25, 28, 2×5 = 5×2 = 7, कितना बचेगा 10 में से 5 गए 5, 12 से 8 गए 4, तो देखो 15 पर क्या चले, तो 15 करके तो आपको बस एक ही आंसर ही बना, और तो आंसर ही नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी क्या 152.86 किलोमीटर पर आई आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है आप एक बार दोबारा देख लीजिए, आप इन सब एलसीएम लोगे कितने घंटे लगे 15, 5, 3, 12, बटे कब थे जब 12 चला था, पर डिस्टेंस में 6 मिनट टाइम लगा रहेगा, 6×5=90, डिस्टेंस 8 मिनट, तो टाइम भी क्या होगा 8 गुना 5×8=40, 3×5=15, 12×1=12, तो क्या हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन, तो क्या आ गया आपका आंसर 152.86 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बच्चों देखो कभी कभी जो ना अपलोडिंग में दिक्कत आ जाती है, तो कभी कभी वीडियो आपके बीच में रुक जाती है, तो आप उसको 5 या 10 सेकंड फॉरवर्ड करके चलाने करो, आपकी वीडियो फिर सही चलेगी, ठीक है अगर इसको ये दिक्कत आती है तो। ठीक है चलो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर की गति से ए से बी तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है, बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी, देखो उसने 40% तो कवर कर लिया, बचा कितना 60%, जो 60 बचा, 60 जो बचा है उसको क्या 40%, देखो 60 का 40% क्या आता है 24 आता है, क्या आता है 24, मान लो 100 थी डिस्टेंस, 100 का 40% तो चल लिया, बचे कितनी 60, तो जो शेष बचा बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी, तो 60 का 40% क्या आता है 24, और शेष की देखो 40 उसने यहां कवर कर ली, 24 उसने यहां कवर कर ली, तो कितनी होगी 64 होगी, शेष कितनी बची आपकी 64, वो यहां पे शेष दूरी पे यहां पे तय करता है, दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो उसकी औसत गति किलोमीटर पर आवर में कितने आपसे पूछ, तो देखो एक बात हो, जो उसका स्पीड उसने दे रखी है क्वेश्चन में, वो क्या है इसकी, इसकी स्पीड क्या है 8 है, फिर क्या हुई इसकी स्पीड 9 हुई, और फिर क्या हुई 12, यहां तक इसको दिक्कत, ये इसका स्पीड का अनुपात है, डिस्टेंस का अनुपात क्या है, मान लो टोटल डिस्टेंस जो आपकी 100 थी, जब भी परसेंटेज की बात करेगा आप 100 मान लो, तो 100 का 40% कितना आता है, 100 का 40% आता है आपका 40, अगर 100 का 40% 40 आता है, अब बची कितनी आपकी, अब आपकी 60 तो बची, तो 60 का 40% कितना आता है आपका 24, अब जो शेष बची आपने 100 मान ली,
40 यहां पर चलेगा, 24 यहां पर बचेगी, कितनी 36 आपकी यहां पर चलेगा। आगे बात समझे, आप इसको काट लो, किससे काट लो इसको, मैं चार से काट दो, चार से ये 10 बार, चार से ये 6 बार, चार से आपका ये 9 बार, तो अनुपात क्या आ गया 10 6 9, तो टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी आपकी, इसको आप जोड़ दो कितना होगा 25। यहां तक इसको देख लो, बस इन सब कैल्सियम क्या होगा, एलसीएम आएगा आपका 72। 8 ने 72 इसको लगेंगे 9 घंटे, इसको लगेंगे 8 ने 72 8 घंटे, इसको लगेंगे 12 से 72 यानी 6 घंटे। आगे बात समझे, तो टोटल स्पीड एवरेज स्पीड क्या होगी 25 गुणा 72, आगे बात समझे, बटे टाइम टेकन, डिस्टेंस 10 गुणी तो नोदाम 90, डिस्टेंस 6 गुनी तो टाइम 6 गुना 8 6 48, डिस्टेंस 9 गुनी तो टाइम भी 9 गुना 9 6 54। आगे बस में बस, तो 72 गुना 25 कितना होता है, 25 गुनी 50 5 करे 25 7 175, 175 और 5 180, 18 बटे इसको आप जोड़ोगे 90 और 48 138, 138 और 54, 138 और 54 कितना होता है, 138 और 54 कितना होता है आपका 192, 4 8 12 कैरी 1, 5 9 5 और 4 9 9 18 1 19 आ गया। आप इसको 4 से काट दो, 25 और 50 5 कैरी 25 7 175, हाँ ठीक है, आप उसको 5 से काट दो, 900 1800 का था कितना होता है, 900 900 का था कितना होता है 450 बटे 4 चौक 16 4 8 32, फिर काट दो आप इसको 3 से काट दो, 3 से ये 150 और 3 से ये आपका 16, ठीक है। अब देखो 2 से काट दो, 2 से 75, 2 से ये आपका 8, 8 में 72, 9 से 3 बटे 8 आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस सर ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन, देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन एस किलोमीटर पर आवर की गति से पी से क्यू तक जाती है और फिर 3S किलोमीटर पर गति से क्यू से आर तक जाती है और फिर एस बटे 2 किलोमीटर की गति से आर से पी तक वापस आती है, P से यात्रा शुरू करके और P तक वापस आने के लिए ट्रेन की औसत गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन CHSL 2017 में आया था। तो ये बच्चों क्या P से Q तक, मान लो ये आपका एक पॉइंट है P, क्या है P और ये पॉइंट क्या आपका Q है, यहां से यहां तक जाती है, इसकी स्पीड क्या है S किलोमीटर पर आगे क्या करता है, Q से R तक जाती है, Q से R तक, मान लो कोई पॉइंट R है, ये आपका R पॉइंट है और यहां पे इसकी चाल क्या है, इसकी चाल है यहां पर 3S किलोमीटर पर R है। आगे उसने क्या बोला, QR बराबर है 2, QR बराबर क्या है 2PQ, अगर आप यहां PQ को एक मानते तो QR क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगर आपका PQ है एक तो ये क्या आपका 2 है, क्योंकि अगर PQ को आप एक मानते तो ये क्या हो जाएगा QR 2 हो जाएगा, अगर आप 2 मानते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपका अनुपात आएगा 1:2 ही। अब उसने आगे क्या बोला, और फिर S बटे 2 की गति से R से P तक, R से P तक कितने की स्पीड से S बटे 2 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वापस आती है, पी से यात्रा शुरू करके, पी से यात्रा शुरू करके और पी तक वापसी आने के लिए ट्रेन, यानी पी से यात्रा शुरू करी यहां तक गई फिर वापसी, तो आने जाने में जो टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसकी औसत गति थी वो आपसे पूछ रहा, तो एक बात होता हूं जाओ, जो स्पीड का अनुपात है, स्पीड का जो अनुपात है वो क्या होगा, एस था
फिर 3s हुआ और फिर s बटे 2 हुआ। यहां तक इसको दिक्कत। अब देखो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करता हूं, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या रहेगी, एलसीएम आप लोगे s, 3s और s का एलसीएम क्या आएगा आपका 3s, तो इसका एलसीएम आएगा क्या आएगा 3s, इसका आपका एलसीएम आ जाएगा। ये कितना टाइम लेगा s से s कटेगा, कितना टाइम लेगा 3r, ये कितना लेगा 1, और ये कितना लेगा s से s कटेगा 3 दूनी 6, ये इतना टाइम लेगा। यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, आगे बात समझ में यहां तक, अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो मुझे आप बताओ। अब देख रहे मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, किसकी डिस्टेंस की, तो एक बात तो बताओ PQ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है 1, QR ने कितनी ट्रेवल की है जिसकी स्पीड 3 है, इसने कितनी ट्रेवल की है 2, और इसने पूरी जिसकी s बटे 2 थी यहां तक इसने कितनी ट्रेवल करी होगी 2 और 1 3, तो ये आ गया आपका 3, तो टोटल कितनी डिस्टेंस आ गई आपकी 6 आ गई। तो जब टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगी 3s गुणा 6, तो 6 गुणा 3s बटे टोटल टाइम, तो देखो इसमें यहां पर 3 लगे 3 एकम 3, तो ये आपका 3 आ गया। यहां पे डिस्टेंस हो गया डबल, तो 1 दूनी ये आपका आ गया 2, यहां पे क्या होगा 6 3 18 आपका ये आ गया। आगे बात समझो तो क्या होगा 6 गुणा 3s बटे में क्या आएगा 23, तो 6 3 18 18s बटे 23 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है आप एक बार इसको बैक करके देख सकते हो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 होगा। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक कार द्वारा दो शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी तय की, यात्रा की एक चौथाई 40 किलोमीटर पर आर की थी। देखो स्पीड, उसने एक स्पीड आपको क्या दे दी, एक तो आपकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आर, ठीक है, और कितनी चाहिए एक चौथाई, तो इधर आपकी डिस्टेंस आ गई क्या एक चौथाई, मतलब क्या है 4 में से 1 चला है। अभी उसने क्या बोला गति से, और शेष 3/4 एक्स किलोमीटर पर आर की गति से, अब टोटल 4 थी 1 वो चली गई, तो यहां कितनी बची आपकी 3, यहां 40 थी, यहां पे इसकी स्पीड क्या है एक्स किलोमीटर पर आर, यहां पे इसकी क्या थी 40 किलोमीटर पर आर थी। अब उसने क्या कहा शेष 3/4 एक्स किलोमीटर पर आर की नियत गति से तय करता है, यदि संपूर्ण यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति कितनी रही हो 53.33, इसको आप क्या लिख सकते हो 53.333, और जब 0.3 से चलता है मतलब क्या होता है 1/3 प्लस 53, तो ये क्या जाएगा 160/3 किलोमीटर पर आर, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं। आगे बात समझ में, अब देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 40, एक्स इसका एलसीएम आएगा 40, कितनी बार जाएगा ये एक्स बार, यानी इसमें यहां पर टाइम कितना लगेगा एक्स, और इसका कितना लगेगा यहां पे 40। आगे बात समझ में, ये टोटल कितने डिस्टेंस 4, तो देखो एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन, तो एक बात बताओ टोटल यहां पर डिस्टेंस कितनी है 40 एक्स है, तो एवरेज स्पीड क्या है इसकी 160/3 बराबर होगा क्या 40x/4 बटे टाइम टेकन। देखो यहां पे एक तो x गुणा एक, यहां पे लगेगा x घंटे, यहां पे लगेगा 40 गुणा 3 120, बस हो गया 160 से ये कट जाएगा इधर, इसकी यहां कर दो इसकी यहां, तो क्या होगा 3x बराबर होगा x प्लस 120, तो 2x का मान क्या आएगा 120, तो x का मान क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आ, इसका आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो बच्चों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर पर आर की औसत गति से की, उसने शुरुआत की 75%, 75% मतलब क्या होता है 75/3
चार। अगर आपकी टोटल डिस्टेंस 60 थी तो इसमें तीन तय करिए, दो थे, दो थे ना, मतलब क्या होता है 2/3। अगर टोटल टाइम आपका तीन था उसने दो टाइम लिया है। अब उसने क्या बोला, समय में तय किया और शेष दूरी x किलोमीटर पर आर की अचर गति से तय की, तो x का मान क्या होगा। देखो जो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सी जी एल मीन्स 2018 और प्री 2019 में ये आपको क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। आगे बात समझ में, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो एक बात बताओ, 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब होता है 75/100 यानी 3/4, यानी अगर आपकी टोटल डिस्टेंस 4 थी तो इसमें इसमें से 3 तय करिए दो तिहाई समय में, दो तिहाई टाइम ये आपका टाइम है। अगर आपका टोटल टाइम 3 था, क्या था टोटल टाइम, अगर आपका 3 था तो इसने दो टाइम यहां पे ले लिया। आप मुझे एक बात, अगर इसकी औसत गति यानी इसकी जो ओवरऑल चाल रही है टोटल जर्नी, वो कितनी रही है 80, अगर टोटल चाल 80 रही है तो आप कह सकते हो जो टोटल डिस्टेंस रही होगी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल क्या है 80, टोटल टाइम कितना है 3, तो आप कह सकते हो टोटल डिस्टेंस आएगी वो आपकी 240 किलोमीटर आएगी। आगे बात समझ में, अब देखो टोटल डिस्टेंस का 3/4 यानी 75% का मतलब क्या होता है 3/4, तो इसका जो 3/4 निकालो कितना आएगा 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर आप निकाल सकते हो 240 का 75% 3/4, 4 सबके 6 × 5 = 18, 180 किलोमीटर, यानी अगर आपकी टोटल डिस्टेंस 240 थी, इसने 180 किलोमीटर आपकी दो टाइम में पूरी कर ली, तो टोटल आपका 3 था, 2 खत्म हो गए, तो 1 ही तो बचा। अब जो डिस्टेंस बच रही है 60 किलोमीटर, यानी इसने 1 ही पूरी करी होगी, और स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो सॉरी स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, समय कितना है 1 है, 1 घंटा, तो आंसर क्या है 60 किलोमीटर पर आर, जो एक्स का मान है वो क्या आपका 60 है। आगे बात समझ में, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार मैदान है, वर्ग क्या होता है, वर्गाकार आपका होता है स्क्वायर, जिसके सारे मुझे क्या होते हैं आपकी बराबर होती है, जिसका क्षेत्रफल 37 वर्ग किलोमीटर है, यदि कोई व्यक्ति 20 मीटर पर सेकेंड की गति से एक छोर से अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन जब उसकी दिशा बदल जाती है तो उसकी गति क्रमशः 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड और 60 मीटर पर सेकेंड से बदल जाती है, तो एक चक्कर पूरा करने पर औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो एक वर्गाकार आपका मैदान था, वर्गाकार क्या होता है, जैसे सारे मुझे क्या होती है आपकी बराबर होती है, ये आपका वर्गाकार एक मैदान था, ठीक है बच्चों, ये आपका एक वर्गाकार मैदान था, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल था वो 37 वर्ग किलोमीटर था, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये बस डाउट डालने के लिए क्वेश्चन दे रहे, इसका कोई यूज नहीं है। अब एक व्यक्ति सपोज करो इस छोर से चलना शुरू करता है और उसकी चाल क्या थी, उसकी चाल आपकी 20 मीटर पर सेकंड थी, यानी यहां से यहां तक पहुंचा आपका 20 मीटर पर सेकंड से, जब वो यहां पर पहुंचा इसने जब दिशा बदली यहां पर, तो जो इसकी चाल थी वो इसकी चाल क्या हो गई 30 मीटर पर सेकंड हो गई, क्योंकि उसकी दिशा बदलने पर क्या हो रही है उसकी गति क्रम से ही यहां यहां पे क्या रही इसकी 30 मीटर पर सेकंड, यहां पे क्या रही इसकी 40 मीटर पर सेकंड, और ऐसे यहाँ पे क्या रहे इसकी 60 मीटर पर सेकंड, तो इसकी ओवरऑल जो इसकी औसत गति रही वो आपसे पूछ कर, तो आपको पता है स्पीड क्या है इसकी, स्पीड इसमें दे रखी है आपको 20 30 40 और 60, इन सब का एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम क्या आएगा 120, 120 इसका एलसीएम आ गया, 20 से 120 30 चौक 120 40 दिया 120 60 दूरी 120, तो ये 6 4 3 2 ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया टाइम। अब देखो ये यहां से यहां तक से तो दूरी तो सिर्फ एक ही होगी, फिर यहां से यहां तक ये भी दो एक ये फिर एक ये फिर एक, तो ये
बराबर बराबर चला, इतना यहां चला उतना यहां, इतना यहां इतना यहां पे, तो चार बार चला, तो टोटल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी क्या 120 गुणा चार, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये, इतना ये इतना ही, तो क्या मैंने कह रहा मेरे चार साहब की मल्टीप्लाई, यानी कितना आ गया 480 आपका आ गया। और उसने पूछे आपसे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन, तो 480 बटे टोटल डिस्टेंस तो आपकी आ गई, टोटल टाइम क्या लगा है 6, 4, 10, 3, 13 और 2, 15 बटे मान गया आपका 15, ये आपके जाएगी एवरेज स्पीड। आप काट दो उसको 15 से, छोटा कर लो, चलो 3 × 3, 3 × 18, 0, 3 × 5, 15, 5 × 3, 15, 5 × 15, 5 × 2, 10, तो क्या आ गया आपका 32 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम आपका इतना रखते हैं, ठीक है, और अगर किसी बच्चों को किसी क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपना डाउट भेज सकते हैं, ठीक है, और आपको मेरा पढ़ावा कैसा समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।